वेलकम बैक दोस्तों। चलिए आज हम BTC को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसके बेस पे हम कल कोई ट्रेड बना पाएंगे या नहीं। तो देखिए हम यहाँ पे चेक करते हैं कि वर्ल्ड इंडेक्स जो हम देख पा रहे हैं अपना, वो पूरा का पूरा नेगेटिव है, क्योंकि फेड की न्यूज आएगी कल, जो कि रात को है, बट उसका डर अभी से ही स्टार्ट हो गया। मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है, आप देखेंगे तो यहाँ से भी बिटकॉइन अराउंड, आप यहाँ से अगर चेक करते हैं बिटकॉइन 800 पॉइंट की रैली आप देखो, फिर से अपना डाउन आ गया है। और ओनली अभी सिर्फ मुश्किल से अभी 18 घंटे हुए हैं, 18 घंटे में बिटकॉइन 800 पॉइंट की रैली अपसाइड देकर और 800 पॉइंट की रैली डाउन साइड देकर वापसी आ गया। तो कल की रैली के बीच में हमने एक ट्रेड लाइन खींची थी, जो कि पहले वाली ट्रेड लाइन को फॉलो कर रही थी। हम इसको अगर 1 घंटे का चार्ट देखते हैं तो हम देख पाएंगे अच्छी तरह से इस ट्रेड लाइन को। ये ट्रेड लाइन थी जो कि फॉलो कर रही थी, और कल जो रैली आई थी उसको भी इसने फॉलो किया था। यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस फेस किया, जैसा कि हमने डिसाइड किया हुआ था कि एक मिनट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, वैसे ही उसने कल यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था। मैंने कहा था कि यहाँ पे आती है तो मैं 20,000 की कॉल को शॉर्ट मार सकता हूँ, या फिर उससे ऊपर की। मैंने 20,000 की कॉल को शॉर्ट मारा था और 19,900 भी मैंने शॉर्ट मारा था। अब मेरी शॉर्ट में यहाँ पर मेरा डेली का इंट्राडे का पैनल चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम डिसाइड करते हैं आज हमें कौन सी ट्रेड मिलेगी। देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया था इसने कल भी, और जब इसको इसने तोड़ा था तो यहाँ पे जाके सपोर्ट लिया था, उसके बाद बाउंड बैंस आया था। अभी भी यहीं पे एक इसको ब्रेक हो गया है, अब यहाँ पे पुल बैक लेके ये वापसी डाउन साइड जा सकती है मार्केट। यहाँ पे मेरे को 80% चांस है इसके पुल नीचे के से आने के लिए, जो कि हो सकता है इसको भी तोड़ के अभी 18,000 की तरफ भाग जाए, 80% चांस है। बट अभी हम देख पा रहे हैं जो हमारा US मार्केट है वो अराउंड 400 पॉइंट माइनस में है, ऐसी सिंगापुर निफ्टी भी माइनस में चल रही है, और अदर इंडेक्स भी हमारे सारे मेजर इंडेक्स मोस्टली माइनस में। तो ये चीज़ एक चीज़ तो कंफर्म है कि हमारे को जो भी ट्रेड मिल रही है अभी इस टाइम, वो सारी की सारी ट्रेड जो है वो नेगेटिव और बैरिश ट्रेड ही है। तो हमारी जो भी हम ट्रेड लेंगे वो बैरिश को ही ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेड बनाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारे को कौन सी ट्रेड मिलती है। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो अराउंड जो हमारा US इंडेक्स है वो अपने एक मेजर सपोर्ट पे आता हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ से हो सकता है वो सपोर्ट लेके दोबारा से एक अपसाइड मूव दिखाए, जो कि आज के हाई के अराउंड इसको बंद टच करना चाहिए। आज का जो हाई है हमारा अराउंड यहाँ पे, यहाँ तक रैली दिखा सकता है। हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं इसको एक बार। ये तीसरी कैंडल इसकी बन रही है, बेरिश कैंडल है जो कि, तो हो सकता है कि एक बार मार्केट यहाँ से पोज लेके और ऐसे दोबारा करके फिर इसको ब्रेक हो। तो एक बार जब ये यहाँ पे आएगा तब हम अपने BTC को शॉर्ट मारेंगे। और BTC को शॉर्ट मारने का रीज़न, जब ये ऊपर की तरफ आता है तो हमारा जो BTC का अमाउंट है वो भी हमारे पास नीचे की तरफ ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ अगर BTC हमारा US मार्केट को फॉलो करता है, जैसे कि मैं देख कर पा रहा हूँ यहाँ पे US मार्केट को फॉलो करता हूँ, ऑलमोस्ट ये अपना इस गैप का 50% कवर कर लेगा। तो मेरा अंदाजा है कि ये यहाँ से कहीं सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ से कहीं ये फिर भी बैरिश बनेगा। तो मैं यहाँ पे 50% रेजिस्टेंस इसलिए बोल पा रहा हूँ आपको कि अगर आप चेक करते हैं इस सपोर्ट से, इस हाई से और इस लो को, तो अराउंड ये है 800 पॉइंट का। तो 400 पॉइंट जो आपका बन रहा है वो यहीं पे कहीं बन रहा है। तो 19,165 19,200 के आसपास हम यहाँ पे इसको शॉर्ट मार सकते हैं। तो चलिए जैसे ही हम इसको शॉर्ट मारेंगे तो हम देख लेते हैं हम अपनी कौन सी कॉल को, कौन सी पुट को हम शॉर्ट मारेंगे। हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम चेक कर पाते हैं अभी जो हमारे पास प्रीमियम मिल रहा है, हमारे पास 1000 पॉइंट के गैप में 19,800 का मिल रहा है, जो कि 24 अभी चल रहा है, 19,730 का प्रीमियम चल रहा है। तो एक बार अगर ये 200 पॉइंट ऊपर आएगा आई होप, तो ये 20,000 का जो प्रीमियम होगा वो भी 24 के अराउंड आ जाएगा। तो एक बार जब भी ये ऊपर आता है हम उसी बेस पे इसको ट्रेड करेंगे। पूरा नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है अभी मार्केट में, तो हम नेगेटिव ही ट्रेड लेंगे। ऐसे हम अगर हम इथेरियम को भी चेक कर लेते हैं तो अपने इथेरियम में भी हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बनती हुई शो हो रही है हमारे पास। देखिए एक ट्रेड लाइन फॉलो हो रही है। तो जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि 1359 एक सपोर्ट है यहाँ का, रेजिस्टेंस फेस करेगा। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फेस को ब्रेक करके ऊपर गया, देन उसने दोबारा से 1359 के आसपास ही पूरे दिन ट्रेड करी है।
तो आज भी हम देख रहे हैं अगर 1359 के आसपास मार्केट मिलती है तो हम इथेरियम की कॉल यहाँ से शॉर्ट मार सकते हैं, इथेरियम की कॉल यहाँ से शॉर्ट मार देंगे अगर एक बार यहाँ कहीं मार्केट हमें दिखती है तब। अगर नहीं दिखती है तो हम वेट करेंगे एक बार इस लेवल को तोड़ने तक का 1323, 1323 अगर यहाँ से ये ब्रेक होता है तभी हम यहाँ से, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से इसको ब्रेक करके फिर रजिस्टर फेज के फिर ये आएगी 1280 के आसपास। तो एक बार यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे अगर इथेरियम में हमें बनती हुई दिखाई देगी, अगर नहीं बनती इथेरियम में कोई ट्रेड हमारी तो हम इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम अपने BTC में, अपने मैंने आपको बताया BTC में भी हम जब भी ट्रेड करेंगे अगर ये यहाँ से इसको तोड़ता हुआ आ रहा है तो एक बार ये बाउंस बैक ले ले यहाँ पे कहीं, और जब ये इसको दोबारा से तोड़ रहा होगा तो हम अपने ट्रेड यहाँ भी कुछ क्वांटिटी डाल देंगे और यहाँ पे हम अपनी फुल क्वांटिटी डाल के ऐड कर सकते हैं बाद में। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जब तक लिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिससे मेरी जो भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेल्टा ट्रेडिंग।